हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी आज मैं इसका मीनिंग और डेफिनेशन डिस्कस करूँगा तो चलिए शुरू करते हैं इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सनस हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनी इज़ वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर कॉमन पर्पज बेसिकली कई लोग आपस में मिलते हैं और मिल के अपना पैसा या पैसे की वर्थ ज़मीन भी फलां फलां चीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कॉन्ट्रीब्यूट करके वो प्रॉफिट के लिए लार्ज स्केल पे काम करना शुरू करते हैं बेसिकली मेन मकसद क्या होता है उनका प्रॉफिट कमाना ठीक है ये बात हमेशा आपने याद रखनी है तो बेसिकली इस टाइप की कंपनी सुटेबल किस चीज़ के लिए होती है फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन क्यों क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इस टाइप के बिजनेस के लिए तो कई लोग आपस में मिलते हैं अपना पैसा डालते हैं और ये काम शुरू कर देते हैं विद एडिकुएट कैपिटल क्योंकि इनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है इट कैन एम्प्लॉयड ट्रेन एंड एक्सपीरियंस मैनेजर्स क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो इनको अच्छे एम्प्लॉज को हायर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनको ये अच्छी तनख्वाहें दे पाएंगे तो इस वजह से इनकी जो बिज़नेस है एक्टिविटीज़ वो एफिशेंटली और इफेक्टिवली पूरी हो जाएंगी ये तो था मीनिंग नेक्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन इसको रब कर देता हूँ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर है नहीं जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ अट्री एसोसिएशन जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉल्ट्री एसोसिएशन वॉल्ट्री मतलब लोग अपनी मर्जी से जुड़ते हैं इस एसोसिएशन के साथ या इस uh, corporations के uh, corporation के साथ ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट तो लोग अपनी मर्जी से जुड़ते हैं अपना पैसा अपनी मर्जी से डालते हैं और मेन मकसद क्या होता है उनका प्रॉफिट कमाना हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इंटू ट्रांसफरेबल शेयर्स ट्रांसफरेबल शेयर्स का मतलब क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को खोलने के लिए हंड्रेड करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए एक इंसान ने फोर्टी करोड़ दिए तो वो फोर्टी करोड़ का मालिक बन जाएगा ठीक है एक इंसान ने ट्वेंटी uh, करोड़ दिए तो वो ट्वेंटी करोड़ मतलब जितना भी बिजनेस के लिए हंड्रेड करोड़ चाहिए था तो उसका ट्वेंटी परसेंट का मालिक बन गया ना तो बेसिकली जितना भी पैसा चाहिए कंपनी खोलने के लिए उसमें जो जो पार्टिसिपेट करता है जो जो पार्टिसिपेट करता है हिस्सेदारी डालता है वो उतने परसेंट शेयर का मालिक माना जाता है ठीक है द ओनरशिप ऑफ विच इज़ द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप तो इस टाइप की जो कंपनी है उसका जो माना जाएगा कि जो मेंबरशिप है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो हिस्सेदार हैं या जो मालिक हैं ठीक है चाहे एक परसेंट हिस्सेदारी हो चाहे दो परसेंट हिस्सेदारी हो तो मेंबरशिप सिर्फ उस कंपनी में तभी हो पाएगी जब आपके पास उसके ओनरशिप के राइट्स होंगे या फिर आपने अपना हिस्सा डाला होगा समझ गए बात आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी टिल देन टेक केयर हैव अ नाइस डे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब